डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट वन बाई टू अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन बाई टू यू गेट वन बाई एट वट इज द नंबर अब हमें नंबर को फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या गिवन है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट वन बाई टू अ नंबर जो नंबर हम चूज़ करेंगे उसमें से वन बाई टू को सब्ट्रैक्ट करना है और उस रिजल्ट को हमें मल्टीप्लाई कराना है वन बाई टू से और हमें आंसर में क्या मिल जाएगा वन बाई एट ये इसका मीनिंग है स्टेटमेंट का तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें नंबर को फाइंड आउट करना है तो हमने नंबर को सपोज कर लिया है लेट दी नंबर इक्वल टू एक्स वो नंबर हमारा है एक्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें सब्ट्रैक्ट क्या कराना है वन बाई टू फ्रॉम अ नंबर इस नंबर में से वन बाई टू को कराना है सब्ट्रैक्ट और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई दी रिज़ल्ट बाय वन बाई टू इसको हमें वन बाई टू से क्या कराना है मल्टीप्लाई और आंसर हमें क्या मिल जाएगा वन बाय एट अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वन बाई टू राइट साइड में इसका रेसिप्रोकल होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है एक्स माइनस वन बाय टू इक्वल टू वन बाई एट मल्टीप्लाई वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू बाय वन तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं टू से तो यहाँ आ जाएगा फोर तो x माइनस वन बाय टू इक्वल टू वन बाय फोर अब यहाँ से जो x के साथ माइनस वन बाय टू लिखा हुआ है इसको जब हम राइट साइड में लिखेंगे तो ये प्लस में लिखा जाएगा x इक्वल टू वन बाय फोर प्लस वन बाय टू तो यहाँ से अब एल्शियम लेते हैं एल्शियम क्या आएगा टू और फोर का एल्शियम आ जाएगा फोर तो इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड फोर को फोर से डिवाइड आंसर वन वन को नोमिनेटर पे वन लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस फोर को टू से डिवाइड कराइए आप तो आंसर टू आएगा टू को वन से मल्टीप्लाई ये बी टू तो आंसर कितना आ गया है अब टू प्लस वन थ्री बाय फोर तो यही हमारा आंसर है फाइनल आंसर जो नंबर हमें फाइंड आउट करना था नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन दी पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ वन फिफ्टी फोर मीटर अब पैरीमीटर हमें गीवन है और देंथ इज टू मीटर मोर देन टाइस इट्स ब्रेथ जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है ट्वाइस से भी कितनी ज़्यादा है वो टू वाट आर देंथ एंड ब्रेथ ऑफ दुल हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है कंडीशन हमें किसपे गीवन है ब्रेथ पर तो इसी को ही हम स्पोज कर लेते हैं पहले कि ब्रेथ क्या है स्विमिंग पूल की वो है एक्स और लेंथ क्या है टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इसका ट्वाइस इसका ट्वाइस क्या होगा टू एक्स और इससे कितना ज्यादा है वो टू मोर ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे प्लस टू तो ब्रेथ हमारी क्या है एक्स और लेंथ क्या है टू एक्स प्लस टू पैरीमीटर हमें क्या गिवन है पैरीमीटर इक्वल टू वन फिफ्टी फोर मीटर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ये शेप हमें रेक्टेंगल की गिवन है रेक्टेंगल का पैरिमीटर होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और ये किसके इक्वल है के। के अब टू लेंथ प्लेस पे टू एक्स इक्वल टू वन फिफ्टी फोर टू इंटू इनको आप ऐड कीजिए टू एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू वन फिफ्टी फोर यहाँ से जो टू मल्टीप्लाई में है लेफ़्ट साइड में जब उसको राइट right में आप लिखोगे तो वो डिवाइड में लिखा जाएगा तो थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू वन फिफ्टी फोर टू अब टू से आप कैंसिल आउट कीजिए तो सेवनटी सेवन इसका आंसर आएगा जब आप टू से इसको कैंसिल करोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा सेवनटी सेवन अब थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू सेवनटी सेवन है तो यहाँ से थ्री एक्स इक्वल होगा सेवेंटी सेवन माइनस टू क्योंकि लेफ़्ट में जो टू है वो प्लस में लिखा हुआ है right राइट में इसको हम माइनस में लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा सेवेंटी फाइव अब थ्री एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव है यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी सेवनटी फाइव और मल्टीप्लाई वाला थ्री को लिखा जाएगा राइट right में डिवाइड में इससे आप कैंसिल आउट कीजिए तो ये आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव और एक्स को हमने क्या सपोज किया था ब्रेथ देयरफॉर जो ब्रेथ है वो क्या है ट्वेंटी फाइव मीटर और लेंथ क्या है वो है टू एक्स प्लस टू टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव प्लस टू फिफ्टी प्लस टू इक्वल टू फिफ्टी टू मीटर तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन सेकेंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन द बेस ऑफ एन आइसोस्लै ट्रैगल इज फोर बाई थ्री सेंटीमीटर दी पैरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल इज ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है फोर टू बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर वट इज देंथ ऑफ आइर ऑफ द रिमेनिंगवल साइड्स अब हमें रिमेनिंग जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है अब ये देखिए ट्रेंगल हमें क्या गिवन है आईसोसलेस मीनिंग इसमें टू इक्वल साइड्स होंगी अदर देन बेस तो ये ट्रेंगल स्पोज किया ए बी सी हमें गिवन है इसका जो बेस है वो है फोर बाई थ्री अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और जो इक्वल साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है उनको हमने एक्स सेंटी स्पोज कर लिया है एक्स हमने उसको स्पोज किया है तो देखिए अब लेट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसल ट्रेंगल क्या है वो एक्स और बेस क्या है फोर बाई थ्री सेंटीमीटर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पैरामीटर हमें गिवन है इस ट्रेंगल का ये फोर इंटू टू फिफ्टीन तो अब पहले हम इसको फ्रैक्शन में करते हैं कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में फोर से मल्टीप्लाई सिक्सटी ऐड करेंगे टू सिक्सटी टू बाय फिफ्टीन सेंटीमीटर और जो पेरीमीटर है वो लेंथ ऑफ दी बाउंड्री मीनिंग हमें इन तीनों ये जो साइड्स हैं इसको हमें क्या कर देना है ऐड तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड एक्स प्लस एक्स प्लस ये बेस फोर बाय थ्री इक्वल टू सिक्सटी टू फिफ्टीन नेक्स्ट स्टेप x में x को आप ऐड करोगे यहाँ 2x एक्स प्लस फोर बाई थ्री इक्वल टू सिक्सटी टू बाई फिफ्टीन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2x एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू बाई फिफ्टीन माइनस फोर बाय थ्री तो इनका एल्शियम अब हमें लेना है ये इक्वल टू फिफ्टीन और थ्री इसका जो एल्शियम होगा वो क्या आ जाएगा फ़िफ्टीन फिफ्टीन को फिफ्टीन से डिवाइड आंसर वन और यहाँ पे क्या है सिक्सटी टू वन को सिक्सटी टू से मल्टीप्लाई तो आंसर में आ जाएगा सिक्सटी टू फिर माइनस का साइन है फिफ्टीन को आप किससे डिवाइड कराना है थ्री से तो आंसर आएगा फाइव और फाइव को आपको मल्टीप्लाई कराना है फोर से तो इसका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सिक्सटी टू माइनस ट्वेंटी ये होता है फोर्टी टू बाय और डिनोमीटर पर क्या है फिफ्टीन तो अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट है टू एक्स इक्वल टू फोर्टी टू बाई फिफ्टीन नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टू एक्स इक्वल टू फोर्टी टू बाय फिफ्टीन इसको आप ये समझ के चलिए कि ये ये लिखा है टू बाय वन तो राइट साइड में क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 वन बाय टू तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या है फोर्टी टू बाय फिफ्टीन मल्टीप्लाई वन बाय टू टू बाय वन का रेसिप्रोकल वन बाय टू टू से कैंसिल कीजिए यहाँ ट्वेंटी वन आएगा अब ट्वेंटी वन और फिफ्टीन किस कॉमन टेबल पे डिवाइड होंगे वो है टेबल थ्री की थ्री से कैंसिल आप करोगे यहाँ पे आ जाएगा सेवन और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा फाइव तो आंसर इसका है सेवन बाय फाइव सेंटीमीटर और मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको ये लिख सकते हो वन इंटू टू बाय फाइव सेंटीमीटर तो ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का एक्स इक्वल टू सेवन बाय फाइव या आप मिक्स फ्रैक्शन में ये लिखिए दोनों ही सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स इज़ नाइनटी फाइव इफ़ वन एक्सीड्स दी अदर बाई फिफ्टीन फाइंड दी नंबर्स अब टू नंबर्स हैं उनमें से कंडीशन क्या की हुए जो एक नंबर होगा वो दूसरे से कितना ज़्यादा है एक्सीड का मीनिंग है ज़्यादा वो कितना ज़्यादा है फिफ्टीन हमें उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो इन्हीं नंबर्स को हम सपोज करेंगे सपोज लेट फर्स्ट नंबर वो है एक्स अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वन एक्सीड्स दी अदर बाय फिफ्टीन तो सेकेंड नंबर होगा वो इससे फिफ्टीन ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या लिखने वाले हैं इसमें एक्स प्लस फिफ्टीन ये आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्सीड्स है इसका मीनिंग होता है ज़्यादा तो फर्स्ट नंबर एक्स था तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा उससे कितना ज़्यादा फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि मैंने सम ऑफ टू नंबर्स इन दोनों नंबर का सम वो किसके इक्वल है नाइन्टी फाइव के तो यही हम इसमें लिखने वाले हैं एक्स ये हमारा फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर क्या है एक्स प्लस फिफ्टीन और इसका जो आंसर है वो है नाइन्टी फाइव एक्स में एक्स को ऐड कीजिए टू एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू नाइन्टी फाइव यहाँ से जो टू एक्स है वो किसके इक्वल होगा नाइन्टी फाइव ये प्लस फिफ्टीन है जब इसको राइट साइड में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस फिफ्टीन सो टू एक्स इक्वल टू नाइन्टी फाइव माइनस फिफ्टीन ये हो जाएगा एट्टी यहाँ से जो x के साथ टू मल्टीप्लाई में है तो राइट में इसको लिखा जाएगा डिवाइड में एट्टी बाई टू कैंसल आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा फोर्टी और x को हमने क्या सपोज किया है फर्स्ट नंबर देर फोर जो फर्स्ट नंबर है वो किसके इक्वल है x के वो कितना है फोर्टी और सेकंड नंबर सेकंड नंबर किसके बोला एक्स प्लस फिफ्टीन तो एक्स की वैल्यू हमारी है फोर्टी प्लस फिफ्टीन तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा फिफ्टी फाइव तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन फोर का नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन टू नंबर्स आर इन दी रेशो फाइव रेशो थ्री अब नंबर का हमें रेशो गिवन है रेशो का मीनिंग इनके साथ कोई एक ऐसा कॉमन नंबर था जिसको डिवाइड जो कैंसल आउट करने के बाद ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म बची है कि जिससे और भी हम कैंसिल आउट ना कर सकें दोनों साइड में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी कॉमन टेबल से डिवाइड हो यानी कि इनके साथ हमें एक ऐसा नंबर स्पोज करके चलेंगे इफ़ दे डिफर बाय 18 और इनका डिफरेंस क्या है 18 व्हाट आर दी नंबर्स अब दो नंबर को हमें सपोज करना है उनकी रेशो हमें गिवन है तो हमने वो क्या सपोज किया है लेट फर्स्ट नंबर फाइव एक्स और सेकेंड नंबर क्या है थ्री एक्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है हमें वो क्या गिवन है इफ दे डिफर बाई एटीन डिफर मीनिंग डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना है एटीन तो इसमें हम क्या लिखेंगे फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू एटीन ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है इनका डिफरेंस किसके इक्वल है एटीन के तो यहां से आंसर हमारे पास आ जाएगा टू एक्स इक्वल टू एटीन और x के साथ टू जो मल्टीप्लाई में है तो उसको हम राइट right में लिख देंगे डिवाइड में टू से आप कैंसिल आउट कीजिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नाइन अब हमें लिखना है वट आर दी नंबर्स x की वैल्यू आई है नाइन तो नंबर्स क्या बनेंगे वो देर फोर जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा फाइव एक्स है फाइव मल्टीप्लाई नाइन फाइव मल्टीप्लाई नाइन इक्वल टू फोर्टी फाइव और जो सेकंड नंबर है वो किसके इक्वल होगा थ्री मल्टीप्लाई नाइन इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो ये हमारा फाइनल आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स एड अप टू फिफ्टी वन वट आर दीज इंटीजर्स थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं जब उनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा फिफ्टी वन ये इसका मीनिंग है स्टेटमेंट का हमें उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है कन्जेक्टिव एक के बाद एक कंटिन्यूसली आने वाले इंटीजर्स जैसे टू टू के बाद क्या आएगा थ्री थ्री के बाद फोर तो यानी कि टू में अगर हम वन को ऐड करते हैं तो थ्री और टू में टू को ऐड करेंगे तो फोर ऐसे ही अगर हम सपोज करते हैं लेट थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स आर सपोज किया कि हमने फर्स्ट इंटीजर को सपोज किया है एक्स तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन और थर्ड क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू तो ये हमारे थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा फिफ्टी वन तो इनको अब हम कर देते हैं ऐड x प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू और इनका आंसर है फिफ्टी वन आप इनको काउंट कीजिए x x और x ये थ्री एक्स है तो इनको हमने ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया थ्री एक्स प्लस वन में टू को ऐड करोगे तो थ्री इक्वल टू फिफ्टी वन थ्री एक्स इक्वल टू फिफ्टी वन माइनस थ्री ये प्लस थ्री है लेफ्ट में राइट right में लिखा जाएगा माइनस में इक्वल टू फोर्टी एट देर फोर जो एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स के साथ थ्री लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में तो राइट right में वो लिखा जाएगा डिवाइड में फोर्टी एट बाई थ्री तो आंसर आ गया यहाँ पर सिक्सटीन तो अब देर फोर जो x है वो किसके इक्वल है सिक्सटीन के x प्लस वन सिक्सटीन प्लस वन इक्वल टू सेवनटीन और x प्लस टू इक्वल टू सिक्सटीन प्लस टू इक्वल टू एटीन तो ये हमारे रिक्वायर्ड कंजक्टिव इंटीजर्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने थे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ एट इज एट हंड्रेड एट्टी एट फाइंड दी मल्टीपल्स अब हमें मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है थ्री कंजेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ एट तो आप देखिए जैसे हम एट की टेबल लेते हैं यहाँ पे एट आएगा फिर सिक्सटीन फिर ट्वेंटी फोर इन तीनों से ही मैं आपको समझा रहा हूँ ये मान लिया हमने एक्स है तो सेकेंड कैसे बनाए एट में क्या ऐड किया है एट तब आया सिक्सटीन और थर्ड कैसे बनाए एट में हमने क्या ऐड किया है सिक्सटीन तब इसका क्या आंसर आया है ट्वेंटी फोर तो ये समझाने के लिए आपको लेट थ्री कंजैक्टिव मल्टीपल कन्जैक्टिव जो एक सीरीज में आए जैसे जो फर्स्ट टेबल जब स्टार्ट करते हैं एट की एट सार, एट और टू पे आता है सिक्सटीन थ्री पे ट्वेंटी फोर तो ये हमने सपोज किया है एक्स थ्री कंजेक्टिव मल्टीपल्स इसको लेने तो वो हमने लिया एक्स सेकेंड क्या बना है एट में क्या ऐड किया गया है एट तब सिक्सटीन आया अगर फर्स्ट हमारा x है मल्टीपल एट का तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस एट और थर्ड कैसे आया जब हमने जो स्टार्टिंग में नंबर था उसमें क्या ऐड किया है सिक्सटीन तो थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस सिक्सटीन इसको दोबारा समझिए आप लेट थ्री कंजेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ एट आर फर्स्ट है x, सेकंड कैसे बनेगा इस x में एट ऐड करोगे और थर्ड के लिए इस एक्स में क्या ऐड करोगे 16 तो ये हमारे थ्री कंजेक्टिव मल्टीपल्स हैं एक्स के जो हमने सपोज किए हैं अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका सम हमें ये गिवन है तो यही हम लिख देंगे इन तीनों का सम एक्स प्लस एक्स प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू एट ये हमें गिवन है तो इनको हम ऐड कर लेते हैं ये एक्स को ऐड करेंगे ये थ्री एक्स हो जाएगा यहाँ लेफ्ट साइड में प्लस एट में सिक्सटीन को ऐड करोगे तो ट्वेंटी फोर अब नेक्स्ट स्टेप जो ट्वेंटी फोर है इसको राइट में लिखा जाएगा माइनस में तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा एट हंड्रेड सिक्सटी फोर एट हंड्रेड सिक्सटी फोर इसका ये आंसर आ गया है राइट साइड का तो अब जो एक्स मल्टीप्लाई में है इसको लिखा जाएगा डिवाइड में तो थ्री से इसको डिवाइड करते हैं टू फिर एट और एट टू हंड्रेड एटी एट ये आंसर आया है एक्स का तो हमें तो कंजेक्टिव मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं एट के देर फोर कंजेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ एट आर थ्री कन्जेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एट आर वो क्या है फर्स्ट है हमारा एक्स तो जो ये एक्स है ये है टू हंड्रेड एट्टी एट फिर है एक्स प्लस एट इसमें हम क्या ऐड कर देंगे एट तो ये आ जाएगा टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स और एक्स प्लस सिक्सटीन एटी एट में सिक्सटीन को ऐड करोगे थ्री हंड्रेड फोर तो ये हमारे तीनों जो फाइंड आउट करने थे मल्टीपल्स क्वेश्चन तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय टू थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू सेवेंटी फोर फाइंड दीज नंबर्स इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का कि हमें थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स को चूज करना है और फर्स्ट को हमें मल्टीप्लाई कराना है टू से सेकंड को थ्री से और थर्ड को फोर से और फिर क्या करना है इन तीनों को ऐड और ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा सेवेंटी फोर ये मीनिंग है इस स्टेटमेंट का तो इसके अकॉर्डिंग अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन लेट थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स आर वो क्या है एक्स एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ये हमने सपोज किए हैं थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कराना है टू से तो टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस सेकेंड को थ्री से थ्री मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन प्लस थर्ड को फोर से फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू इक्वल टू सेवेंटी फोर ये स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि हमें फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई सेकंड को थ्री से थर्ड को फोर से और इन तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा सेवेंटी फोर अब टू को एक्स से मल्टीप्लाई तो आंसर आया है टू एक्स प्लस इस थ्री को पहले एक्स से मल्टीप्लाई थ्री एक्स प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई थ्री फिर प्लस का साइन फोर को एक्स से मल्टीप्लाई फोर एक्स प्लस फोर को टू से मल्टीप्लाई एट इक्वल टू सेवनटी फोर अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये लेफ्ट में x लिखे हुए हैं इनको हम ऐड कर देंगे तीनों को टू एक्स प्लस थ्री एक्स ये होता है फाइव एक्स प्लस में फोर एक्स तो x हमारे हो गए हैं लेफ्ट में नाइन प्लस थ्री प्लस एट ये है इलेवन इक्वल टू सेवनटी फोर अब नेक्स्ट स्टेप नाइन एक्स इक्वल टू सेवनटी फोर माइनस ये प्लस इलेवन था तो राइट right में लिखा जाएगा माइनस क्वल टू सिक्सटी थ्री अब एक्स के साथ जो नाइन है ये मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम राइट right साइड में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा डिवाइड में कैंसिल आउट कीजिए यहां पे आ जाएगा सेवन तो एक्स का जो आंसर आया है वो आया है सेवन अब हमें ये फाइंड आउट करने हैं कंजेक्टिव इंटीजर्स देर फोर ये आप लिखोगे थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स आर थ्री कंजेक्टिव इंटीजर्स आर वो क्या है एक्स इसका आंसर आ गया है सेवन एक्स प्लस वन सेवन प्लस वन इक्वल टू एट और एक्स प्लस टू सेवन प्लस टू इक्वल टू नाइन तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन एट का तो इस वीडियो में हम ये एट क्वेश्चन तक ही करेंगे और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करें